मसीह में आप सबको सलाम मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा आप सबको बरकत दे। आज जो वीडियो का टाइटल है आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी राग एक दो दिन में नहीं आता। बहुत से यूट्यूब चैनल है कि हम दो दिन में हारमोनियम सिखा देंगे, पाँच दिन में सिखा देंगे, दो तीन दिन में राग का अच्छी तरह समझ नहीं आती जो नया जो लोग शुरू करते हैं हारमोनियम। अभी कुछ राग जो होते हैं वो घूम फिर कर फिर वहीं पे आते हैं, घूम पर फिर कर वहीं पे आते हैं, तो राग की समझ नहीं आती। तो एक दो दिन में कैसे राग आएगा? उसके लिए मतलब उसकी सुरों की आपको जब तक पहचान नहीं होगी, सुरों के नाम क्या हैं, तो आपको कैसे मतलब पता चलेगा कि ये मतलब इससे किस तरह आप गीत निकालेंगे या कोई जबूर निकालेंगे। इसके लिए आपको मतलब प्रॉपर पहले राग सीखना चाहिए। राग की मतलब जो वादी संवादी उसकी बंदिश है, उसकी जो पकड़ होती है, उसका भी आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है। तो राग जो है हम मालकाओं से मैं आपको शुरू करके देता हूँ और राग मांड तक जाएंगे, ठीक है। मजा बनाने के लिए, राग को सजाने के लिए उसमें मतलब मंदर सबकत के भी सुर लेने पड़ते हैं और तार सबकत के भी सुर लेने पड़ते हैं, फिर जाके हर मतलब राग की ना बंदिश बनती है, राग बनता है फिर। आगे आपको मतलब समझ आएगी कि आगे क्या कर रहा हूं। गमनी धम गम गमनी धम गमनी धम गमनी धम सनी धम गम धम गम धम गम। अभी जो राग मांड ऐसे जाता है, जो है मांड उसमें ये वाला भी नील लगा सकते हैं आप। सनी धप मतलब बाद में फिर देखे जरा, फिर देखे सनी धप मतलब मेरी तो कोशिश होती को आपको कोई अच्छी चीज बताई जाए, आपको मतलब समझ आए, वो चीज मैं कोशिश करता हूँ बताने की कि ताकि आपको सीखने में भी आसानी हो। और जो गीत निकालने का जो तरीका है वो अब सा गा पा मा, ये मतलब चार सुर होते हैं जिन्हों से मतलब ज्यादा गीत निकलते हैं, ठीक है। सबकी हिफाजत करें, वीडियो को जितना हो सके सपोर्ट करें, प्यार करें, खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी बहनों मेरे भाइयों, मेरी दुआएं आपके लिए हैं और मेरे लिए भी दुआ करते रहें। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।